नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मधुपुर महाविद्यालय में 25 सितंबर से आयोजित परीक्षा तैयारी हुई पूरी। कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षा संचालित करना काफी चुनौतीपूर्ण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को SOP के तहत परीक्षा संचालित करने के कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत मधुपुर महाविद्यालय प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी पूरी कर ली। प्राचार्य डॉक्टर पशुपति कुमार रॉय ने कहा कि UGC द्वारा निर्देशित SOP के सभी बिंदुओं को अक्षरशः पालन किया जाएगा। मधुपुर महाविद्यालय के मुख्य द्वार से लेकर कक्षा के बेंच डेस्क तक सैनिटाइज किया गया। मुख्य द्वार पर छात्र छात्राओं के प्रवेश के लिए सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए बांस की बैरिकेडिंग की गई। गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग के द्वारा सबों का टेम्परेचर की जांच की जाएगी। जिनका टेम्परेचर अधिक होगा उन छात्र छात्राओं के लिए अलग आइसोलेशन कक्षा की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर रत्नाकर भारती ने कहा कि यहाँ मधुपुर शहर के 3 BEd कॉलेज का केंद्र बनाया गया है, जिसमें कुल 306 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर महाविद्यालय प्रशासन सजग है। इस बार परीक्षा के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। दुपहिया एवं चारपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध है।